الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن ون لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وزرياته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد

सिलसिले अजवाज मुताहरात का बयान चल रहा था रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुताहरात में से हमने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा अलहमेरा री अल्लाह अन्हा का चार बयानों में तज़करा कर चुके हैं की एक बीवी हजरत सैद ना उमर बबन ख़ताब रज़ी अल्लाह तन्हा की लखत जिगर नूर नज़र सदा हफ्सा बिनत उमर रजी अल्लाह तहा भी हैं सयदा हफ्सा बिनत उमर जो हजरत उमर रजी अल्लाह तहों की साहिबजादी हैं हुजूर अली सलाम की नबूवत से पांच साल कबल जब क्रैश मक्बत की तामीर कर रहे थे उस वक़्त पैदा हूं हजरत सयदा हफ्सा बिन उमर रजी अल्लाह तहा का पहला निका हुजूर हजूर व सलाम के जलीलुल जलील सहाबी हज़रत खुनैस बिन हुदाफा सहमी रजी अल्लाह से हुआ हजरत खुनैस बिन हुदाफा सहमी बदर में जख्मी होकर शहीद हो गए और एक रिवायत में आता है गजबा उहद में शहीद हुए सईद हफ्सा जवान थी बेवा हो गई सईद उमर रजी अल्लाह को इनकी शादी की इनके निकाह सानी की फिक्र हुई अल्लाह रसूल का हुक्म यही है कि अगर खातून को तलाक हो जाए या बेवा हो जाए तो इद्दत गुजरने के बाद उसका सानी कर दिया जाए उसका निकाह सानी कर दिया जाए इसमें आफियत है इसके अंदर रिफ्फ़त है इसके अंदर हिफाजत है इसके अंदर घर की आबादी है इसके अंदर बच्ची की खैरखाई है आज बाज बिरादरियों का यह रिवाज है बच्ची बेवा हो गई तो बैठे मर गई तलाक हो गई तो बैठे मर गई ये जाहिलाना तर्ज है यह इस्लाम का तरीका नहीं है यह शरीयत का हुक्म नहीं है शरीयत का हुक्म यह है वान कि हुल आयामा मिनकुम साल मिन ऐब कुम व ईमाई कुम जो भी बेनिकाही है उसका निकाह कर दो बच्चों का भी कर दो बच्चियों का भी कर दो मर्दों का भी कर दो औरतों का भी कर दो ईकुन फुकार फजली अगर ये तंग दस्त है कोई गरीब है तो तब भी शादी से न रुके निकाह से न रुके अगर ये फकीर और तंग दस्त है तो युग नहीं अल्लाह अपने फजल के साथ निकाह की बरकत से गनी कर देगा अल्लाह निकाह की बरकत से माल आता कर देगा खुशहाल बना देगा कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया इसलिए यह रिवाज गैर शर्य है गैर इस्लामी है हिंदुआना रिवाज है कि अगर बेवा हो गई तो बैठी बेवा है यह हुजूर की सुन्नत के खिलाफ है। शरीयत के हुक्म के खिलाफ है हुजूर अली सलाम के तरीके के खिलाफ हजरत उमर की लखते जिगर सईदा हफ्सा के शौहर शहीद हो गए खुनैस शहीद हो गए हजरत उमर ने इनके निकाह की फिक्र की तदबीर की मशहूर वाकया हरी इसमें, अरब के माहौल में तकल्लुफ भी नहीं था आज तो हजारों बच्चियां इसीलिए घरों में बैठी हैं, कि मां बाप कहते हैं खुद चलकर कैसे जाए रिश्ते के लिए ये भी कोई शरीयत का हुक्म नहीं है। हजरत उमर रजियला को बेटी के रिश्ते के लिए खुद जाना पड़ा खुद चल कर गए एक से नहीं कईयों से कहा मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं निकाह करना चाहता हूं हदीस में आता है

कि मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दूं, आप मेरी ये पेशकश कबूल फरमा ले और मेरी बेटी से शादी कर ले सही हदीस है हजरत ऊस्मान रजी अल्लाह तहो को सईदिनामर अबिन खत्ताब अल्लाह रजियला ने खुद पेशकश फरमाई उस्मान तुम मेरे भाई हो मेरी बेटी बेवा हो गई है मैं तुम्हें पेशकश करता हूं तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो हजरत उस्मान रजियाल्ला ने इर्शाद फरमाया मैं सोचकर आपको जवाब दूंगा मैं गौर और फिक्र के बाद आपको बताऊंगा फिर कुछ दिन के बाद हजरत उमर रजियाल्ला और हजरत उस्मान रजियाल्ला की मुलाकात हुई तो जरत उमर रजिया हजरत उस्मान रजियाल्लाजरत उमर से फरमाया उमर आपने मुझे रिश्ते की पेशकश की थी लेकिन कद बदालीयाम औ कमाकाल मैंने गौर और फिक्र किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं अभी शादी ना करूं लिहाजा मैं माजरत खा हूं मैं शादी नहीं कर सकता कोई बात नहीं <t> हजरत उमर रजी अल्लाह रजियाल्लाहो फरमाते हैं फिर मेरी मुलाकात हजरत सीना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह से हुई और मैंने हजरत अबू बकर से वही कहा जो मैंने हजरत उस्मान से कहा हजरत अबू बकर से भी कहा कि मेरी बेटी बेवा हो गई है और मैं अपनी बेटी का आपसे निकाह चाहता हूं आपसे रिश्ता करना चाहता हूं हजरत अबू बकर खामोश हो गए कोई जवाब नहीं दिया फिर मुलाकात हुई तो खामोश हजरत अमीन अमर रजी अल्लाह फरमाते हैं मुझे इतना गुस्सा और इतनी नाराजगी हजरत उस्मान पे नहीं हुई जितनी अबू बकर सिद्दीक पे हुई हजरत अबू बकर पर मुझे बहुत नाराजगी हुई कि ना हा किया ना ना किया एक तो मैंने पेशकश की मोहब्बत में उसे कबूल नहीं किया दूसरा इनकार भी नहीं किया मुझे लटकाया हुआ है फिक्र में डाला हुआ है तो मैं दिल ही दिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह से नाराज था और इसी बुनियाद पे नाराज था कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कुछ दिनों के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत उमर को रिश्ते का पैगाम आ गया आपने ये पैगाम दिया भिजवाया कि मैं आपकी साहेबजादी हफ्सा से निकाह चाहता हूं हजरत उमर के लिए ईद थी इससे बड़ी शहादत और क्या थी फौरन कबूल कर लिया और हुदूर अली सलाम से हजरत हफ्ह का निकाह हो गया हिजरत के सत्रह माह बाद या दो साल बाद हजरत हफ्ज उमर रजियाल्ला हजरत अफसा का हुदूर अली सलाम से निकाह हो गया बन गई और बाद में हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से फरमाया कि उमर शायद आप मुझसे नाराज होंगे आपने मुझे पेशकश की थी रिश्ते की ना मैंने हाँ की थी न मैंने ना की थी मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया था हजरत उमर ने फरमाया बिल्कुल मैं आपसे नाराज आपने मुझे कुछ नहीं बताया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने फरमाया दरअसल मामला कुछ और था मेरे सामने जनाब इसका इजहार फरमा चुके थे कि मैं उमर के घर उमर की बेटी से निकाह करना चाहता हूं तो चूंकि हुजूर मुझे इजहार फरमा चुके थे अल्लाह के नबी अली आलाम अपनी तजवीज मुझे बता चुके थे अपना इरादा जाहिर फरमा चुके थे इसलिए मैं आपको हां नहीं कह सकता था और ना मैंने इसलिए नहीं की कि मेरे दिल में यह था कि अगर अल्लाह के नबी नहीं करेंगे तो फिर मैं कर लूंगा इसलिए मैंने ना भी नहीं की हां भी नहीं की हजरत उमर का गुस्सा दूर हो गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तला उनसे जब हजरत उमर रजी अल्लाह ने इस रिश्ते की पेशकश की उन्होंने भी इसी वजह से इनकार किया उनकी पहली जोजा, हुजूर अली सलाम की, हुजूर की जिगर सईदा रुकैया रजी अल्लाह का इंतकाल हो चुका था और हजरत उमान की चाहत ख्वाहिश तमन्ना और आरजू ये थी कि मेरा निकाह हुजूर अली सलाम की घर ही हो और सईदा रुकैया की बहन सईदा उम्मे कुलसूम के साथ मेरा निकाह हो जाए उनका इरादा यह था कि मेरा निकाह हजरत रुकैया की छोटी बहन हुजूर अली सलाम की साहिबजादी सईदा उम्मे कुलसूम से हो जाए और हुजूर की मंशा ये थी कि हजूर का निकाह हजरत उमर की बेटी से हो जाए तो अल्लाह ने दोनों की मंशा पूरी की उस्मान का निकाह हजूर अली सलाम की दूसरी लखते जिगर हजरत सगीदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह से हो गया और हजूर अली सलाम का निकाह हजरत उमर की लखते जिगर सगीदा हफ्सा रजी अल्लाह से हो गया रिश्ते तो आसमानों पर जुड़ते हैं अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं यूं हजरत उस्मान की ख्वाहिश भी पूरी हो गई और हजरत उमर को भी एजाज नसीब हुआ सईदा हफ्सा को भी एजाज नसीब हुआ हुजूर अली सलाम की चाहत भी पूरी हो गई अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो गया सईदा हफ्सा हुजूर के निकायाब इसी बात पर हुजूर अली सला तो वसलाम को नाराजगी हो गई सईदा हफ्सा से तो आपने रज तलाक दे दी हमारे यहां तो रिवाज है कि जब बीवी से लड़ाई हो जाए तो एक नहीं दो नहीं तीन तलाकें इकट्ठी दे देते इससे अल्लाह रसूल ने सख्ती से मना किया तीन तलाक इकट्ठी देना हराम है तीन तलाक इकट्ठी देना गुनाह कबीरा है तीन तलाक इकट्ठी देना नाजायज है जो शख्स तीन तलाक इकट्ठी देता है वो दो नुकसान करता है एक अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करता है और हराम काम का इर्तकाब करता है दूसरा अपनी बीवी से भी हाथ धो बैठता है रुजू की कोई शक्ल नहीं होती वापसी की कोई शक्ल नहीं होती इसलिए पहले तो तलाक से रोका गया कि बात बात पे तलाक ना दो तलाक हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज है अब गजुल्ला तलाक औ कमाकाल सब हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है तलाक से बचो आखिरी ऑप्शन है लोग उसको पहला ऑप्शन बना लेते हैं महीना नहीं होता शादी को किसी बात पर झगड़ा हो गया तलाक ठोक मारी फिर रोते फिरते हैं। फिर झूठे सच्चे फतवे लेते हैं फिर हराम को हराम को हलाल करते हैं तीन तलाकें देकर फिर बीवियों को घरों में रखते हैं हालांकि तीन तलाकें अगर कोई शख्स दे दे तो वो तीन तलाकें हैं हजरत उमर अल्लाह ने कानून बना लिया था ये सिद्दी के अकबर के आद खिलाफत का कानून था ये हजरत उमर के आहद खिलाफत का कानून था ये हजरत खिलाफत कानून का था बनु उमैया की कानून था यही बनवा अब्बास की कानून का था।, था और यही हजरत अब बिन मसरूद का मजहब था यही हजरत अब्दुल्ल बिन अब्बास रजी अल्लाहुम का मजहब था और यही दस सहाबे के राम से मनकूल है और यही इमाम अबू हनीफा का फतवा है यही इमाम मालिक का फतवा है यही इमाम शाफी का फतवा है यही इमाम अहमद अब हंबल का फतवा है पूरी उम्मत का यही फतवा है सिर्फ तीन तबकात ने कहा कि तीन तलाकें दे दो तो एक होती है बस शियाज़रात ने कहा कादियानियों ने कहा और हमारे अहले हदीस भाइयों ने कहा बाकी हनफी हम्बली मालकी शाफी खलफाए राशिदीन खलफाए बनू मैया खलफाए बनू अब्बास और इस वक्त भी अक्सर इस्लामी ममालिक का कानून यही है कि तीन तलाकें दे दो तो तीन होती हैं एक नहीं होती एक जमा एक जमा एक बराबर एक तो नहीं होगा ना कितनी होगी तीन होगी तीन तलाक इकट्ठी ना दो मनाए अलाक्रता इंसा कुमे मारूफिन बेहसान हद यह है कि दो तलाकें दे दो वरना तो एक तलाक दो बस एक तरफा तलाक दे दी रुझू कर सकता है जुबान से वापस ले सकता है अमल से भी वापस ले सकता है दो दफा लफ्ज तलाक कह दिया तब भी रुजू कर सकता है आधे नबूवत में एक शख्स ने तीन तलाके इकट्ठी दे दी थी अल्लाह के नबी सलाम इतने नाराज हुए, इतने नाराज नाराज हुए, हुए कि आपका चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया और आप मिंबर पे तशीफ लाए और आकर यह फरमाया कि लोग अल्लाह के हदूत के साथ मजाक करते हैं और तीन तलाक इकट्ठी देते हैं इतने नाराज हुए आप अगर तीन तीन नहीं थी तो इतने नाराजगी क्या जरूरत है? हुजूर ने तलाक दी रजे आई तलाक जिब्रील जिबरील आए और जिबरील ने आके हुक्म किया रब कहता है आप रुजू कर लें ये तलाक वापस ले लें और हफ्सा को दोबारा बसा लें अपने घर में रखें निकाह करें रब कहता है और हुजूर अली सलाम ने खुद इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी के ये जुमले हैं मेरे आका फरमाते हैं काल अली जिबरील राज हफ्सा मुझे जिबरील अमीन ने आके कहा हफ्सा से रुजू करो क्यों वजह हुजूर के लिए कोई बीवियों की कमी तो नहीं थी فَإِنَّهَا قَوَّامَةً صَوَّامَةً إِنَّهَا قَوَّامَةٌ صَوَّامَةٌ हफ्सा बहुत रोजे रखती है हफ्सा बहुत इबादत करती है सईदा हफ्सा कव्वामतुल्लैल थी रात को खड़े होकर मुसल्लों पर गिड़गिड़ाती थी रोती थी अल्लाह के हुजूर मांगती थी इल्तिजाए करती थी दुआएं करती थी और अक्सर दिन को नफली रोजा रखती थी अल्लाह को इनकी इबादत रियाजत रोजे तिलावत अल्लाह को इनकी तहजद इनका क्याम इतना पसंद आया फरमाया ऐसी नेक बीवी छोड़ने के काबिल नहीं होती बसाने के काबिल होती है अल्लाह के हबीब मेरे नबी आप रुजू करें और हफ्सा को घर रखे मतुन कव्वा मतुन कसरत से रोजे रखने वाली बीवी कसरत से इबादत करने वाली बीवी आज बाज बद वक्त ऐसे भी हैं बीवी तहजुद पढ़े कहते ये तो हम पर कोई जादू कर रही है बीवियों को तहजुद नहीं पढ़ने देते नमाज नहीं पढ़ने देते करो मजाक उड़ाते हैं बेटियों का बच्चियों का खुदा का खौफ करो जिस घर में नमाज नहीं है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं है वो भूतों का ढेरा है वो शैतानों का वो शैतानों के बसेरे की जगह है जहां कुरान पढ़ा जाता है तिलावत की जाती है जिक्र किया जाता है नमाजें अदा होती हैं वहां फरिश्ते आते हैं वहां अल्लाह की राहमत बरसती है जहाँ गाने चलते हैं फिल्में चलती हैं ड्रामे चलते हैं चौबीस घंटे जहां फहाशी और यानी के मनाजिर और सीन होते हैं वो शैतानों का बड़े बसेरा बसेरा होता है वो शैतानों के आने जाने की जगह होती है वहां लानत बरसती है वहां रहमत नहीं बरसती इनसे इसलिए रुजू करवाया करुण गया इन्ना सव्वा मतुन कव्वा मतुन कसरत से रोजे रखती हैं कसरत से इबादत करती हैं कसरत से रात को क्याम करती हैं वह इन्ना जूजत कफिल जन्ना फरमाया मेरे हबीब अल्लाह ने हफ्सा को आपकी जन्नत की बीवी भी बनाया है ये जन्नत में भी आपकी बीवी होगी इसलिए रुजू कर ले तो मालूम हुआ सईदा हफ्सा कसरत से तिलावत इबादत और रोजे रखने वाली खातून थी और मैं अपनी बेटियों से बहनों से कहता हूं नेकिया जाए नहीं जाती नेकियों का असर घरों की आबादी पर होता है तुम नमाजों का एहतमाम करो तिलावत का एहतमाम करो नवाफिल का एहतमाम करो इससे तुम्हारे घरों में बिरकत होगी तुम्हारे शोहरों के दिलों में अल्लाह की तरफ से रहम पैदा होगा शफकत पैदा होगी और अगर अल्लाह से बगावत करोगी तो इंसान के दिलों से तुम्हारी शफकत मोहब्बत निकल जाएगी और घरों के अंदर परेशानी होगी इसलिए घर बसाने हैं तो अपने अल्लाह को राजी रखो और जो अल्लाह को राजी रखता है Allah उसको ऐसा बना देते हैं कि अल्लाह की मखलूक उससे मोहब्बत करती ने कहा हमने मूसा पे मोहब्बत डाल दी थी वह अल्का तो आलई का मोहब्बत मिन्नी अल्लाह ने मूसा पे मोहब्बत डाल दी जो देखता था प्यार करता था और तो और जब संदूक में डालकर हजरत मूसा अली सलाम की वालदा ने इनको दरिया कर दिया और आसिया की बीवी ने वो संदूक निकलवाया और संदूक खोला तो देखा एक शीर खार मासूम बच्चा संदूक के अंदर मुस्करा रहा है तो फ्रेफ्ता हो गई ऐसा ऐसा प्यार आया कि फिराउन से कह दिया इसको तुम कतल नहीं कर सकेगा हम इसको बेटा बनाएंगे हमारी औलाद कोई नहीं है हम इसको बेटा बनाएंगे हम इसकी किफालत करेंगे हम इसकी परवरिश करेंगे आज के बाद ये बच्चा फिर ऑन के महल में पलेगा ये क्या था अल्लाह की तरफ से मोहब्बत थी वह अल्की तो आलई का मोहब्बत मिनी तो जो ये चाहे कि मुझे इज्जत मिले जो ये चाहे कि मुझे मकबूलियत मिले जो ये चाहे मुझे महबूबियत मिले जो ये चाहे कि मुझसे अल्लाह की मखलूक प्यार करे मोहब्बत करे मेरी बात मानी जाए मेरा रोब हो तो वो अल्लाह का फर्मादार बने गुनाहों को छोड़े रब की इता करे अल्लाह की कसम अल्लाह की सारी मखलूक मोहब्बत करने वाली बन जाएगी शेर और चीते तुम्हें अपने आप को सवारी के लिए पेश कर दे और ऐसे वाकयात मौजूद है शेख सादी ने मुस्तकिल एक हिकायत जिक्र की है बोस्ता के अंदर कि एक शख्स चीते पे सवार था दीदम रोजे बरमलंगे सवार एक दिन मैंने एक शख्स को देखा वो चीते पे सवार था तो मुझे ताज्जुब हुआ अल्लाह ने चीते को कुवतें गोयाई या ताकि चीता बोल पड़ा उसने कहा तू भी अपने अल्लाह को राजी कर अपने रब की फर्मा बरदारी कर अल्लाह की मखलूक तेरी भी फर्मा बरदार बन जाएगी नेकी का असर होता है ताजरत हफ्सा रजी अल्लाह फिर हुजूर के घर में आ गई और अल्लाह के नबी अली सलाम की खिदमत गुजार बन गई इन्हीं की वजह से दो मसले उम्मत को मिले एक मसला तो यह मिला ये कहीं अपने घर से बाहर गई हुई थी हुजूर अली सलाम इनके घर में अपनी बांधी सगीदा मारिया तिथिया रजियाल्ला के साथ मौजूद थे इस्लाम में बीवी के साथ बांदी से भी नफा उठाया जा सकता है लेकिन आजकल दुनिया में बांदियां नहीं हैं गुलाम नहीं हैं रिक़ियत खत्म हो गई उम्मत का इजिमा हो गया अब दुनिया में कोई गुलाम नहीं रहा कोई बांदी नहीं रही इस्लाम ने गुलामीयत और रिक़ियत को मिटाया है आजाद करवाए गुलाम लेकिन बहरहाल उस वक्त गुलाम थे तो हर मुसलमान के लिए चार बीवियों की इजाजत है बंदियां जितनी चाहे रख ले बशर्ते कि उसका किसी से निकाह ना हो वो हलाल है मारिया किबतिया के साथ हुजूर अली सलाम इनके हुजरे में थे आपने हक के जोजियत अदा फरमाया हजरत हफ्सा आ गई तो इन्हें तबी तौर पर बहुत तकलीफ हुई रोने लग गए अल्लाह फी योमी फी हुजरती वी नौबती मेरी बारी में मेरे घर में आपने सईद हफ्सा को खुश करने के लिए फरमाया हफ्सा मैं तुझे खुश करता हूं बशरते कि किसी को बताना ना मैं तुझे खुश करता हूं बशरते कि किसी को खबर ना देना इतला ना देना मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं आज के बाद ये मारिया किबतिया मुझ पर हराम है मैं इसको अपने तन पर हराम करता हूं मारिया किबिया को इस को तेरी खुशी के लिए तेरी खुशनुदी के लिए एक बात और दूसरा मैं तुझे खुशखबरी दे रहा हूं कि मेरे दुनिया से जाने के बाद खलीफा अबू बकर होगा और तेरा बाप उमर होगा यह भी मैं तुझे खुशखबरी दे रहा हूं इशारा किया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद खलीफा कौन होगा अबू बकर और अबू बकर के बाद कौन होगा उमर होगा अल्लाह के नबी ने इशारे दिए बुखारी की भी एक रिवायत एक औरत आई आके कहने लगी यार अगर मैं आपको दुनिया में ना पाऊं तो किस से मसला आप सलाम ने फरमाया अबू बकर से उस खातून ने कहा अगर मैं अबू बकर को भी ना पाऊं तो किस से मसला पूछूं आपने फरमाया उमर से इशारा किया कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर होगा अबू बकर के बाद खलीफा उमर हो और भी बहुत सारी हदीसें बहुत से इशारे मौजू नहीं मेरा वरना मैं इस पर अर्ज करूं आपने खुशखबरी दे दी कसम भी उठा ली शरीय का हुक्म आ गया नबी यू लिमा तुहर रिमुमा अह तब तरजाता हर الله لك जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है आप बीवी को खुश करने के लिए क्यों आराम करते हैं आपके लिए कसम उठाना ठीक नहीं है किसी की खुशरुदी के लिए बीवी को अपने ऊपर हराम बाी को अपने ऊपर हराम ना करो किसी हलाल को अपने ऊपर हराम ना करो या याबी यू लिमा मा लक। ए आप हर हराम कर रहे हैं उसको जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया तब तक बीवियों को खुश करने के लिए ऐसा नहीं होगा कदफर तहलता ऐसी कसमें तोड़ दो कफारा दो अल्लाह ने तुम्हें कसमें तुड़वाने और कफारे का हुक्म दे दिया, कद को। ये हुकम दिया। ये है चुनाची ने यह हुक्म दिया हदीस है जिसने किसी बात पे कसम उठा ली और फिर उसे ख्याल आया कि मैंने गलत कसम उठा ली अल्लाह के नबी फरमाते हैं कसम तोड़ दो और फल यहाने हानि हो जाओ कसम तोड़ दो और कफारा दे दो कसम का कफारा अदा कर दो बस हुजूर ने भी कसम का कफारा अदा किया अल्लाह के नबी ने भी कसम का कफारा अदा किया सईदा हफ्सा को अल्लाह ने क्या क्या कमाल दिए थे हाबा में सबसे अफजल साहबा वो हैं जो बदरी हैं जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया और हजरत हफ्सा के शौहर बदरी बाप बदरी वो भी बदर में शरीक हुए एक मामू बदरी उस्मान बिन मजरौन बदरी हैं दूसरे मामू आब्दिल्ला बिन मजरोन वो बदरी हैं और एक मामू के बेटे रस्मान बिन साब बिन मजून वो भी बदरी है यानी बदरी खानदान अल्लाह ने सयदा हफ्सा को आता किया अल्लाह ताला हमें इन तलाज मुता के नक्श कदम पर चलने की तोफीक नसीब फरमाए आमीन को सियालकोट के अंदर एक अजीब पिछले जुमे सानिया हुआ कुछ लोगों ने एक श्रीलंका के गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया इस इल्जाम के तहत के ये गुस्ताखे रसूल है कत्ल कर दिया इस मसले को इतना उछाला गया इतना उछाला गया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में ये तसुर पैदा हो गया कि यहां तो कातिल किस्म के लोग रहते हैं और ये तो किसी और को बर्दाश्त ही नहीं करते इस वाक्य में कई पहलू हैं पहला पहलू यह है कि गुस्ताखी रसूल संगीन जुर्म है ना काबिल माफी जुर्म है और गुस्ताखी रसूल की सजा भी कत्ल है लेकिन ये कत्ल करना या किसी का गुस्ताख होना इसका लोग फैसला नहीं कर सकते इसका अवाम फैसला नहीं कर सकते आपको गुस्ताखी लगी है तो अदालत में जाए सा करें मुकदमा दायर करें आप गवाहियां पेश करें अदालत का फर्ज है अगर गुस्ताखी साबित हो जाए तो शरीयत का हुक्म भी यही है पाकिस्तान का आइन और कानून भी यही है उसको सजाए मौत दो तफसील का वक्त नहीं है वक्त मेरा खत्म हो रहा है बातें मेरी काफी रहती है इसमें कोई शुबा नहीं है के गुस्ताखे रसूल की सजा कतल है और यह सजा पाकिस्तान के आइन में है और इस वाके को बुनियाद बनाकर आइन को बदलने और इस सजा के खात्मे का दबाव डाला जा रहा है हम इसको कंडम करते अमल भी गलत है और इस अमल की वजह से यह नतीजा निकालना भी गलत है किसी गैर मुस्लिम को जो हमारे मुल्क में रहता है अकलियत है विदे के साथ रह रहा है कत्ल करना ऐसे ही संगीन जुर्म है जैसे किसी मुसलमान को कत्ल करना संगीन जुर्म है। जो भी गैर मुस्लिम देखो उसको कत्ल कर दो इसकी इजाजत नहीं है हजूर अली सलाम की मैं हदीस हदीसें बयान करता हूं सही बुखारी की हदीस है आप वसल्लम ने फरमाया इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है किताबुल जिहाद के अंदर बाबू इस मन कतला मुआहिदन जिसने किसी ऐसे गैर मुस्लिम को कत्ल किया जो हमारे मुल्क में मुआहदे के तहत रह रहा है जो जिम्मी अकलियत और मुआहिद है उसका कितना गुनाह है फिर हदीस जिक्र की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया मन कतला मुआहिदन जिसने किसी गैर मुस्लिम अमन वाले गैर मुस्लिम को कत्ल किया लम या जन्ना। उसे जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी व इन्ना री ला तू जा हालांकि जन्नत की खुशबू चालीस साल की मसाफत से सूंघी जा सकती है लेकिन इस गैर मुस्लिम के कातिल मुसलमान को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी और अबू दाबूद और नसाई की हदीस में एक लफ्ज और है मैं हदीसें पढ़ रहा हवाले के साथ मन कतलादन बगैर कुन जिसने बगैर किसी वजह के किसी गैर मुस्लिम को हर गैर मुस्लिम नहीं जिसके साथ जिहाद हो रहा है दारुल हर में है उसको तो कत्ल करने का सवाब है कातलू वकुतिलू कुरान ने कहा जो हमारे मुल्क में गैर मुस्लिम रह रहा है उसको किसी ने बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया अल्लाह के नबी अली सलाम ने उसके बारे में साफ और साफ इर्शार फरमा दिया अल्लाह जन्ना इस शख्स पे अल्लाह जन्नत हराम कर देंगे ये जो जन्नत के लिए दूसरों को कत्ल करता फिर रहा है जन्नत इस पर हराम हो जाएगी और एक रिवायत बड़ी अजीब है अबूदाबूद की आपने फरमायाद

कल मत के दिन अल्लाह के दरबार में मैं मोहम्मद अरबी उस गैर मुस्लिम की तरफ से मुद्दाई बनकर पेश पेशूंगा इतने सख्त साफ इसलिए तरीका गलत हर किसी को बगैर सबूत के गुस्ताख न कहो एक पहलू यह भी है कि लोग जाति अगराज के लिए गुस्ताखी का इल्जाम लगा देते कुछ फिर के अपने मसल की इख्तलाफ की वजह से दूसरों को गुस्ताखे रसूल कह देते पिछले साल चीनियोट में बेचारे तबलीगी जमात वालों को शहीद कर दिया क्यों ये गुस्ताखे रसूल है तुम बड़े आशे के रसूल हो शर्म नहीं आती किसी को गुस्ताखे रसूल कहते हुए ये तरीके गलत है लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहता हूं ये को पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ इसकी वजह इस्लाम नहीं है इसकी वजह कानून नामों से रिसालत नहीं है इसकी वजह आरे में फैला हुआ तशद तहमुल है, है। खुद सियासतदानों में हुकुमरानों में बर्दाश्त कोई नहीं उसका असर अवाम पर भी है यही सियाल कोट था कुछ अर्सा पहले दो हाफ कुरान बच्चों को कत्ल किया गया इसी सियालकोट और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है ये जुल्म पूरी दुनिया में है न्यूजीलैंड में एक जुनूनी ने मस्जिद में जाकर लोगों को मार दिया इंग्लैंड में भरा हुआ ट्रक मुसलमानों पर ड्राइवर ने इस्लाम की दुश्मनी में चढ़ा दिया तो वहां तो किसी ने ये मुतालबा नहीं किया फुला कानून खत्म कर दो फुला कानून खत्म कर दो और यहां तुम शुरू हो गए कानून नामों से रिसालत खत्म कर दो ये गलत है हम दोनों बातों को कंडम करते हैं और आखिरी बात सऊदी हुकूमत इन दिनों बहुत सारे गैर शरी इकदाम कर रही अमरीका की खुशनुदी के लिए अपनी हुमत को पक्का करने के लिए अब ताजा आर्डर उनका यह आया है सऊदी गवर्नमेंट का कि तबलीगी जमात के खिलाफ मस्जिदों में खोताबा तकरीरें करें और लोगों को बताएं कि यह दहशत गर्द है मैं आपसे पूछता हूं तबलीगी जमात से ज्यादा पुरअन आपने दुनिया में किसी को देखा जिनको लोग मार भी लेते हैं तो वो मुकदमा नहीं करते जिनको लोग जख्मी भी कर देते हैं वो बदला नहीं लेते सऊदी हुक्मरान होश के ना खुलो अकल करो उम्मत मुस्लिमा, पहले तुमसे मुतनफिर है तुमने मदीना जैसे शहर में सैन खुलवा दी सऊदी अरब में दुनिया का आजाद तरीन शहर बन रहा है जहां शराब जीना बेहयाई बदकारी हर चीज को कानूनी तहफुज हासिल होगा जब से मोहम्मद बिन सुलेमान आया है, उसने ये इस्लाम दुश्मन इकदाम शुरू की एहतिया करता हूं सऊदी हुकूमत से कहता हूं तुम से हमें मोहब्बत दीन की वजह से है हर की वजह से है लेकिन अगर तुम दीन की दुश्मनी पे उतर आओगे तो उम्मत मुस्लिमा फिर तुमसे नफरत करेगी तुमसे मोहब्बत नहीं करेगी और मैं इन्हें لا ينبغي للمملكه العربيه السعوديه ان يحجر على حركه الدعوه والتبليغ والقاء الخطبات خلاف حركه الدعوه والتبليغ لان جماعه الدعوه والتبليغ ليس له علاقه بالارهابيين انها حركه اصلاحيه وانها تدعو المسلمين الى طاعة الله ورسوله، ولاقامة السنة، والتنجب والتجنب عن البدع، وانها تدعو المسلمين الى الى التوبة عن المعاصي والدناءات، وانها تدعو المسلمين الى حسن الخلف، والعفو عن الناس، وقيام الامن، واقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة وصلة الأرحام والعفاف فكم من مشرك وكافر اختاروا التوحيد والإيمان بجهد الجماعة التبليغ فالأمة المسلمة جراح قلوبهم بهذا الإقدام التي